जो कि कीव में है वहां हूँ, और मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे ही बॉम्ब शेल्टर्स में इस वक्त हूँ 2 दिन से। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे साथ हैं, और भी यहाँ इंडियंस काफी अलग अलग जगहों पे बॉम्ब शेल्टर्स में हैं काफी मात्रा में। और यहाँ से हमें ले जाए जाने की कोई सुविधा नहीं है। अभी तक इंडियन एम्बेसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें किस तरीके से निकालेगी, क्योंकि कीव के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, जो कि वेस्ट वेस्ट साइड के पुल्स हैं, वो बॉम्ब से तोड़ दिए गए हैं, ऐसा कहा गया है हमें। और हमारे पास यहाँ से अब हमारे पास कुछ ज्यादा राशन भी नहीं बचा है, हम कैसे सरवाइव करेंगे हमें ये भी नहीं पता। हमारे पास पानी भी लिमिटेड है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें जल्दी से जल्दी निकालें यहाँ से। हम किस तरीके सरवाइव करेंगे हमें कुछ भी नहीं पता। एक बस में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें यहाँ से कैसे लेके जाएंगे पोलैंड के बॉर्डर तक, जो कि 550 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत हम लोग रास्ते में टैंक्स हैं, कुछ हमारे लिए सुविधा नहीं है। हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम अपने पोस्टर लगा के, इंडिया के बैनर्स लगा के चले जाएं। ये कोई बात नहीं हुई करने की, क्योंकि बहुत रिस्क है हमारी लाइफ को उसमें, क्योंकि रास्ते में भी टैंक मौजूद हैं बहुत सारे। और मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जल्द से जल्द हमें निकालें यहाँ से।